मुझे सरक चाप बताने वाले तुम खुद ही सरक गंदे नाले के कीड़े हो। सरक चाप बताने वाले मेरे भाई पेमा जी, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुम्हारे जो पिताजी थे वो हमारे बॉर्डर में जो आर्मी फोर्स में वो कुक थे, खाना पकाते थे, वो पोर्टर में पानी देते थे। वो पहले वो पेमा खांडू जी के पीआरओ की तरह बात कर रहे थे। तो ये नीनो एरिंग जी को भी एहसास है कि करप्शन है, और वो खुद एमएलए होके बेचारा वो खुद आरटीआई मार के घूम रहा है। करप्शन का लेवल ऑफ द करप्शन, एक ऑनरेबल एमएलए को खुद आरटीआई मार के घूमना पड़ रहा है। डायनामिक यंग एंड एनर्जेटिक सीएम साहब अभी बहुत सारे ऑफिसर को जेल डाल रहे हो, बोलते हो कि नौटंकी करते हैं, सरक चाप लोग नौटंकी करते हैं, ड्रामा कंपनी खोल के रखा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे कल परसों एमएलए बन के आए हैं ना, इनको पता नहीं है वेलफेयर क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, पता नहीं है। बड़े बड़े जो राजनेता होते हैं उनका चापलूसी करना है, उनका चमचागिरी करना है, इनके दाएं बाएं घूमने लगे तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगे। असल सरक चाप तो ये लोग, गंदे नाले से उभर कर आए हो, अभी तक तुम्हारा आइडेंटिटी क्लियर नहीं होता है। कभी खुद को क्या तिब्बतियन बताते हो, कभी इंडियन बताते हो, कभी अरुणाचली बताते हो। बेटा है, दो फॉर्मर सीएम का बेटा दोनों मिलके ये गमंदी दिखा रहे कि हमारे जेब में पैसा है तो हम इलेक्शन जीत के वापस आएगा। चिल्लाने वाले तुम लोग चिल्लाते रहो, भोकने वाले तुम लोग भोकते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोला कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम, तुम लोगों को अगर अरुणाचल गवर्नमेंट से इतना शिकायत है तो खुद इलेक्शन में मैदान में उतर के देखो, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके देखो, बोला। जो काम कांग्रेस के जमाने में होता था, हमारे नीनोंग एरिंग जी ने अच्छा बात बोला है ना, वो पेमा खांडू जी का पीआरओ बनते बनते नीनोंग एरिंग जी जो कि अरुणाचल प्रदेश से है, कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक है, ऑनरेबल एमएलए है, पहले वो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं अरुणाचल ईस्ट से, उन्होंने बोला कि पहले वो पेमा खांडू जी के पीआरओ की तरह बात कर रहे थे, बाद में पीआरओ करते 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 उन्होंने बोला ये जो आज कांग्रेस को सब गाली दे रहे ना, आज जो बीजेपी में बैठकर कांग्रेस को गाली दे रहे, ये सब लोग ही खुद ही पहले कांग्रेस में थे और जो भी करप्शन हुआ है इन्हीं लोगों ने किया है। तो करप्शन नहीं है बोल के बात नहीं है, करप्शन है, करप्शन पे नियंत्रण की जरूरत है। तो ये नीनो एरिंग जी को भी एहसास है कि करप्शन है। जिस तरह से मैंने एक टीवी इंटरव्यू सुना था ना हाली तारा का, तो मैंने देखा उसको प्रेस ब्रीफिंग करते हुए, वो एक ऑनरेबल एमएलए है, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 14 दोईमुख असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, और वो खुद एमएलए होके बेचारा वो खुद आरटीआई मार के घूम रहा है। आप लोग सोच के देखिए करप्शन का लेवल ऑफ द करप्शन, एक ऑनरेबल एमएलए को खुद आरटीआई मार के घूमना पड़ रहा है। और एमएलए साहब का एक टीवी इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें भी उन्होंने कहा कि करप्शन तो है, करप्शन तो क्यों नहीं है। यहाँ तक कि जब लाइव डिबेट में मुच्चू मिट्टी जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि करप्शन तो है, लेकिन बहुत मात्रा में थोड़ा बहुत अभी मतलब संज्ञान लिया जा रहा है। हमारा यंग एंड एनर्जेटिक डायनामिक हैंडसम क्या क्या बोलते हैं, वो उल्टा पुल्टा भाई ने सही बोला है, डायनामो डायनामो बोलते हैं, क्या गाड़ी का डायनामो है ना क्या का डायनामो है पता नहीं। वो डायनामिक यंग एंड एनर्जेटिक सीएम साहब अभी बहुत सारे ऑफिसर को जेल डाल रहे हो, तो बहुत सारे ऑफिसर को जेल डाल रहे, तो ये पक्का सबूत है कि करप्शन है। इसीलिए हम चाहते हैं कि पिक एंड चूज मैनर में इन्वेस्टिगेशन ना हो, बल्कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, तो भी हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं, तो भी हम ईडी की मांग कर रहे हैं। पूरा खुला मतलब सारा चीज तो फसरा हुआ है, खुला सब कुछ ओपन है, मैदान में करप्शन हो रहा है। करप्शन नहीं हो रहा बोल के तो इसमें कोई बहस करने की बात ही नहीं है, डिबेट करने का कोई जगह ही नहीं है, करप्शन तो हो ही रहा है। तो इस करप्शन को जड़ से मिटाने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए, सीएम साहब आपसे भी हमने कई बार बोला है कि आप सीबीआई रिकमेंड करवा दीजिए, आप स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से अपने आप सीबीआई रिकमेंड करवा दीजिए। आप मानते नहीं हो, फिर बोलते हो कि नौटंकी करते हैं, सरक चाप लोग नौटंकी करते हैं, ड्रामा कंपनी खोल के रखा हुआ है।
सीएम साहब, आप खुद अगर करप्शन के अगेंस्ट में आप एक अच्छे सिपाही के रूप में हमेशा खुद को प्रस्तुत करते हो मीडिया के सामने, आप कहते हो कि करप्शन को जड़ से मिटाना है, जीरो टॉलरेंस होना है करप्शन में, और इसी पर आप प्रतिबद्ध हो, तो फिर सीएम साहब आज भी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि आप एक बार सीबीआई रेकमेंड कर दीजिए। हम यहाँ पर मांगने क्या है, और ये राजनीतिक राजनीतिक राजनीतिक, मैं थक चुकी हूँ इस बात पे, सफाई देते ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। ये छोटे छोटे बच्चे कल परसों एमएलए बन के आए हैं ना, इनको पता नहीं है वेलफेयर क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, पता नहीं है बेचारे। ये कल परसों कैरम बोर्ड खेल के घूम रहे थे, रम्मी के अड्डा में रम्मी खेल के घूम रहे थे, ये कार्दोनी की और वगैरह कौन है, कहाँ से चले आते हैं, उल्टा सीधा भोगते रहते हैं। इनको पता ही नहीं है कि अरुणाचल का निर्माण कैसे करना है, इनको केवल इतना पता है कि बड़े बड़े जो राजनेता होते हैं उनका चापलूसी करना है, उनका चमचागिरी करना है। उसके बाद में जब वो लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, पैसे डालते हैं, अरे भाई सिगरेट एक पैकेट लेके आओ, तो बोले वो दौड़ के जाता था सिगरेट लाने के लिए, वो दौड़ के जाता था, चलो बियर एक केन लेके आओ बोलने से दौड़ के जाता था लाने के। आज वो बेचारा बहुत अच्छा सेवक है, बहुत अच्छा लड़का है, चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ाएगा बोल के पार्टी का टिकट दे दिया, या फिर पार्टी का टिकट भी नहीं दिया, ये तो अलग पार्टी से थे, एमएलए जीत कर आ गए, पार्टी का टिकट अपने बीजेपी वालों को दिया और बीजेपी के अगेंस्ट जो उठे उसको पैसा देकर उठा दिया, तो ये लोग उठ गए एमएलए बन गए। तो अब सीएम के लेवल में घूमने लगे, थोड़ा सा सीएम के दाएं बाएं घूमने लगे तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगे। असल सड़क चाप तो ये लोग, हम लोग खानदानी लोग हैं, हम खानदान में पैदा हुए हैं और खानदान में हम इज्जत से जीते हैं, हम बात कर रहे हैं अपनी हक की, हम सत्य की बात कर रहे हैं, तो हमें सड़क चाप बताते हैं। सड़क चाप बताने वाले मेरे भाई पेमा जी, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुम्हारे जो पिताजी थे वो हमारे बॉर्डर में जो आर्मी फोर्स में वो कुक थे, खाना पकाते थे, वो पोर्टर में पानी देते थे, वो इंडियन आर्मी फोर्स में ना पेमा भाई, आपका जो स्वर्गवास पिताजी श्रीमान दोर्जी खांडू जी जो थे वो एक हेड कुक थे। लेकिन आप मेरे पीछे आकर देखिए, मेरे जो पिताजी लेट तो कोटातम थे, वो कभी किसी के कुक भी नहीं थे, किसी गार्डनर भी नहीं थे, वो अपने आप में एक नेता थे। ये फर्क है तुम में और मुझ में। मुझे सड़क साफ बताने वाले, तुम खुद ही सड़क गंदे नाले के कीड़े हो, गंदे नाले से उभर कर आए हो, अभी तक तुम्हारा आइडेंटिटी क्लियर नहीं होता है, कभी खुद को क्या तिबेतियन बताते हो, कभी इंडियन बताते हो, कभी अरुणाचली बताते हो। टिबेटियन रिहेबिलेशन एक्ट है अरुणाचल में, और उसी एक्ट के माध्यम से बहुत सारे टिबेटियन को लेकर आए इंडिया में, अरुणाचल में, और उसको अभी तुम लोग अरुणाचल का सिटीजन दे रहे हो। ये एक तरफ से धोखेबाजी कर रहे हो अरुणाचल के जनता के साथ, अरुणाचल का जितना इंडिजिनियस ट्राइबल पीपल है, एथनिक पीपल है, उसके साथ आप धोखेबाजी कर रहे हो। तो हमारा छोटा भाई ब्यावन जोरम जी ने, आनिया प्रेसिडेंट ने सही बोला था, जितने तिबेतियन आए हुए उसमें से आप सीएमओ ऑफिस में नौकरी देकर रखे हुए हो, आपका ओएसडी भी तिबेतियन होगा। गंदी गंदी राजनीतियां आप लोग खेलते हो, और हमारे आवाज को दबाने के लिए कितना करोड़ का नुकसान किया है अभी तक, कुछ तो करोड़ का नुकसान हुआ होगा, गंदे गंदे लोगों को उठा करके, भूले बिसरे लोगों को, भटके लोगों को ला करके इसके खिलाफ ये करो वो करो बोलने में, अब और क्या करोगी। ये हमारे छोटे भाई बड़े भाई मुच्छू मिट्टी जी ने कहा था कि दम है तो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करो, दम है तो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करो और खुद सरकार बनाओ अगर हमारे सरकार से प्रॉब्लम है तो, ये उन्होंने बोला था। ये उन्होंने क्यों बोला पता है आप लोगों को, अन्य लोग आप लोगों का कमजोरी देख के ही मुच्छू मिट्टी साहब ने ऐसा बोला है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे आप लोग बोलता है चाय पानी पैसा, जो चाय पानी नहीं देगा उसको वोट नहीं मारता है ना, जो चाय पानी देता है उसको वोट मारता है, इसलिए मुच्छू मिट्टी साहब को बड़ा गमन दे, क्योंकि वो खुद फॉर्मर सीएम का बेटा है और पेमा खांडू खुद फॉर्मर सीएम का बेटा है, दो फॉर्मर सीएम का बेटा दोनों मिलके ये गमन भी दिखा रहे कि हमारे जेब में पैसा है तो हम इलेक्शन जीत के वापस आएगा। चिल्लाने वाले तुम लोग चिल्लाते रहो, भोंकने वाले तुम लोग भोंकते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमको ओपन चैलेंज किया, भाई सोल गौतम को ओपन चैलेंज किया, बोला कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम, तुम लोगों को अगर अरुणाचल गवर्नमेंट से इतना शिकायत है तो खुद इलेक्शन में मैदान में उतर के देखो, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके देखो बोले, क्योंकि हमारे पास तो पैसा नहीं है, और अगर
भगवान ने मुझे पैसा दिया भी होता तो मैं आज इस मंच से ऑफिशियली बोल रही हूँ, अगर भगवान ने मुझे पैसा दिया भी होता तो मैं कभी इलेक्शन में नहीं बांटूंगी। क्यों बांटूंगी? जो पैसा मैं आप लोगों को इलेक्शन में बांटूंगी वो पैसा क्या हो, आसमान से गिरेगा कि जमीन के अंदर से आएगा? कहीं ना कहीं से तो लिया हुआ होगा ना, तो उसको रिकवर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर इन्हीं के रास्ते चलना पड़ेगा, करप्शन करना पड़ेगा, नहीं तो पैसा रिकवर कहां से होगा? इसीलिए पैसा बांट करके जो इलेक्शन जीत के आता है वो सोचता है कि बिना पैसा का पब्लिक तो वोट करेगा नहीं, तो को शीतल पगली औरत अकेला चिल्लाते रहो उसे क्या फर्क पड़ता है? पैसा है तो हाथ में सब कुछ है, इसीलिए पैसा का दम पर वो लोग उछल रहा है।